सर केमिस्ट्री के एग्जाम में हम पास कैसे होंगे? पूरा साल निकल गया, हम थोड़ा लेट हो गए या फिर किसी काम में बिजी थे, हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें पता नहीं चल रहा कि साला क्या करना है, हमें लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए ही ये वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ। आप पास हो जाओगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है। सबसे पहले आप खुद पे ट्रस्ट करो। भले नहीं पढ़ा, अब 10 दिन 12 दिन पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से आप फॉलो करना, आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहली टिप जो है MCQ के लिए आपको क्या करना है। MCQs के लिए मैंने एक मटेरियल लॉन्च किया है, वो खरीदना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आप तो चिपका रहे हो, ठीक है, आपको मटेरियल सेल करना है तो आप चिपका रहे हो। नहीं, आपको पास करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपने ही बोला हमें पास होना है। तो पास होने के लिए दोस्तों MCQ, क्योंकि अब 12 दिन में MCQ में क्या करना पड़ता है, NCERT का लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। तो वो अगर आप कर पाओ तो डेफिनेटली करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरा मटेरियल खरीदो। पर पास होने में दिक्कत है, पूरा साल बिगड़ेगा, 3 महीने फिर बैकलॉग आएगा, फिर एग्जाम आएगी। रहन दो, MCQ का मटेरियल मैंने डिजाइन किया वो खरीद लो, उतने MCQ रट्टा मार के जाना, 20, 25, 30, 35 ऊपर आ जाएंगे MCQ में, उतना रट्टा मार के जाओगे तो उसमें ही पास हो जाओगे। नहीं खरीदना, बहुत नॉमिनल फीस है, एक पिज्जा से भी कम चार्ज है वो, जो मटेरियल है उसका, वो भी नहीं खरीदना, कोई बात नहीं मत खरीदो। चलो थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी पार्ट से ही हम पास हो सकते हैं। 35 प्लस आप स्कोर कर सकते हो, 35 प्लस आप स्कोर कर सकते हो थ्योरी में। मैंने जस्ट अभी एक प्लेलिस्ट बनाया है, इस साल ही इसी वीक में मैंने वीडियो शूट करके प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें GSEB 2023 प्लेलिस्ट का नाम ये होगा। हर एक चैप्टर जो है आपका, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 16, हर एक चैप्टर में कौन से थ्योरी कंपलसरी करने हैं वो थ्योरी अच्छे से याद कर लो। उसमें भी एक एक दो दो थ्योरी मत याद करना, जाओ तो आपके थ्योरी में 35 प्लस आ सकते हैं, आई गारंटी। अब बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि आपको पास होना है, आप सिलेक्टिव चीजें कर रहे हो, तो याद रखो वो जब एग्जाम में थ्योरी आई, वो थ्योरी आई तो आपको जैसा NCERT में है ऐसा पूरा का पूरा छापना पड़ेगा। अब अगर आप वो नहीं छापोगे, फिर आप बोलोगे सर हम तो पास नहीं, हम तो फेल हो गए, तो भी मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं तो बोल रहा हूं IMP करो, 35 मार्क का IMP आएगा, 50 मार्क का थ्योरी का पेपर, उसमें 35 मार्क का आएगा मेरे IMP थ्योरीज में से। पर अगर वो 35 मार्क का भी आप नहीं लिखोगे, 20 मार्क का लिखे आओगे, वो भी घटिया लिखोगे, उसमें भी 10 मार्क आएंगे, कैसे पास होगे? तो जब आप 50 मार्क के थ्योरी में 35 मार्क का पेपर अटेंड करते हो, तो ऐसा अटेंड करना है कि 35 मार्क का अगर अटेंड किया है तो 35 में से 35 मार्क आने चाहिए, 35 में से मिनिमम 30 तो आने ही चाहिए, क्योंकि खाली आप IMP करके जा रहे हो। हर एक चैप्टर के 5-5 थ्योरी तो अच्छे से कर सकते हो नहीं बेटा? हर एक चैप्टर के 5-5 थ्योरी तो जोरदार कर सकते हो ना, कि अगर वो आया तो वही का वही छाप दूंगा मैं। तो 35 तो थ्योरी में आ जाएंगे या 30 आ जाएंगे थ्योरी में, और तुक्का मारोगे तो भी 10 मार्क तो MCQ में आएंगे, 40 आ गए भी पास हो गए आप, पप्पू पास हो गया भाई। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत ईजी है। अब हर रोज के 5 थ्योरी भी से करो तो 12 दिन बाकी है, 5-5 थ्योरी करो, ठीक है, 6-6, 7-7 थ्योरी करो तो 12 दिन में सब 16 चैप्टर कवर हो जाएंगे। जैसे 12 दिन बाकी है, 16 चैप्टर है, तो 1.5 चैप्टर कर लो हर रोज, तो 8 दिन में हो जाना है, 4 दिन में रिविजन कर लेना, हो गया काम खत्म। 5-5 थ्योरी करना है, 2-2, 3-3 बार लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, और पॉइंट वाइज करो ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। समझ आ रहा? जैसे मैंने अभी एक वीडियो लेक्चर में समझाया था कि अगर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट पूछा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट पूछेंगे, जैसे 2 मार्क में पूछा है तो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट लिखने, 3 मार्क में है तो 6 पॉइंट लिखने, तो पॉइंट वाइज लिखो ना।
ऐसे ऐसे नहीं लिखना हमें, समझ आया कि नहीं? ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, फिर भूल जाओगे, टेंशन आएगा कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा। पॉइंट वाइज याद करो कि फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायन एनायन का साइज सेम होता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्रेंकल डिफेक्ट में जो भी चीजें हैं, जैसे शॉटकी डिफेक्ट में और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या पढ़ा था, शॉटकी में पढ़ा था एनायन कैटायन का साइज सेम होता है, फ्रेंकल में पढ़ा था एनायन कैटायन का साइज सेम नहीं होता। तो इसमें लिख दो एनायन एंड कैटायन आर नॉट ऑफ सिमिलर साइजेस। जनरली जो एनायन होता है इट इज लार्जर इन साइज एंड कैटायन इज स्मॉलर इन साइज, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो कैटायन है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से डिसलोकेट होता है और इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। तीसरा पॉइंट, वो डिसलोकेशन इफेक्ट है। चौथा पॉइंट, डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता। पांचवा पॉइंट, एग्जांपल लिख दो। छठा पॉइंट, लिखो एजीबीआर में शॉर्ट की फ्रेंकल दोनों होता है। मेरा कहने का मतलब है पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज याद करो, याद रहेगा, क्यों याद नहीं रहेगा, और आईएमबी प्रिपेयर कर लो, समझ आया? और अगर ये मटेरियल खरीद सकते हो बहुत नॉमिनल कॉस्ट खरीद लो तो एमसीक्यू में ही 35 आ जाएंगे, तो बेड़ा पार एमसीक्यू में ही पास, तो स्कोर हो जाएगा फिर इसमें 35 से 70 मार्क आ जाएंगे। पास होना बहुत ईजी है भाई गुजरात बोर्ड में, ऐसा नहीं है, 90+ लाना टफ है गुजरात बोर्ड में, पास होना बहुत ईजी है। मैंने टिप्स दे दिए हैं, ठीक है, आप इतना फॉलो करोगे डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ स्कोर हो जाएगा अच्छा, 50-60 ऊपर आ जाएंगे, तो टेंशन छोड़ दो, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, समझ आया? वीडियो आपको यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट में लिखो, ठीक है, वीडियो आपको कितना यूजफुल रहा, चैनल आपको कितना मज़े करा रही हमारी चैनल लिख दो, और आपके फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाओ, फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं आपके साथ हूँ, आप मेहनत करते रहो।